celebration of Dara started in 17th century. Dushehra is also known as Vijayadashmi. The festival symbolizes the victory of good over evil. Dushehra is celebrated 23 days before Diwali. Many people observe Dushehra through special prayer, meetings and food offering to gods at homes or in the temples. मेरा नाम संदिशा है, मैं कक्षा चौथी डायमंड की छात्रा हूँ। आज मैं दशहरा के ऊपर एक कविता पेश करने जा रही हूँ। बहुत समय की बात है, एक था राजा दशरथ, उनकी तीन रानियाँ थी, कौशल्या, ककई, सुमित्रा। उनके चार बेटे हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मंथरा नाम की एक दासी थी, बहुत चतुर, बहुत चालाक थी। भरत उसका प्यारा था, राजा उसे बनाना था। राजा ने पूछा ककई से, बोलो रानी क्या चाहिए। राज भरत को राम को वनवास हुआ, सीता और लक्ष्मण ने साथ दिया। छोटी सी एक कुटिया बनाई, राजपाट सब ठुकराई। लंका का राजा रावण था, सीता को उसे पाना था। वन हिरन उसने भेज दिया, जिसने सीता का मन मोह लिया। राम गए हिरन की खोज में। अस्वीकार करो लक्ष्मण, रावण का पंडित संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करेगा। रावण एक महान योद्धा है, महान शासक है। लक्ष्मण, रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजय का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। तुम्हें उनके लक्ष्मण, युद्ध संहारक होता है, विनाशक होता है। युद्ध में केवल खोया ही जाता है, पाया कुछ नहीं जाता। जो व्यक्ति अपने आप को संसार से बड़ा मानता है उसकी दशा मुझ जैसी होती है। लक्ष्मण, राजनीति सदैव प्रजा के हित के लिए करनी चाहिए, जिससे राष्ट्र का उत्कर्ष और उद्धार हो। ज्ञानी भी अहंकार के अधीन होकर सत्य मार्ग से भटक जाते हैं। लक्ष्मण, अहंकार अंधकार का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है।